नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों। खबर है नरसिंहपुर के गाजरवाड़ा से, जहां साली चौका के ग्राम पचामा में एक दिन पहले ई पास के माध्यम से होशंगाबाद के संकल्प मूक बधिर स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं का छात्र लक्ष्मी गोलनदास उम्र 19 वर्ष की होम क्वारंटाइन में मौत हो गई। मामले की सूचना लगते ही स्वास्थ्य अमला पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, जहां पर कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मृतक के परिजनों को होम क्वारंटाइन कर सभी का सैंपल लिया गया। मृतक के सैंपल भी लैब भेजा गया। रिपोर्ट आने के बाद ही प्रशासन आगे की रणनीति तय करेगा। फिलहाल संदिग्ध मानते हुए प्रशासन द्वारा मृतक के आसपास के रास्तों को स्थान को सील कर दिया है। देखिए, अभी तक मृतक के परिवार से जो उसकी हिस्ट्री ली गई है, उसके अनुसार ये थोड़ा सा इस तरफ को संदेह जाता है कि बच्चे को कोई ना कोई इलनेस या सिकनेस हो सकती थी, रही है। क्योंकि हमारे एपिडेमोलॉजिस्ट डॉक्टर खातरकर और सारी टीम इस संबंध में पूरा छानबीन कर रहे हैं और उसके सभी तरह के जांच करने के पश्चात, लेकिन प्राइमा फेसी जो आप पूछ रहे हैं तो बच्चा लीन एंड थिन था, और जैसा हिस्ट्री में कुछ ऐसा भी बता रहे हैं कि वो खाना आना कम खा रहा था, और एक ही दिन हुआ है उसको आए, और परिवार को हम लोगों ने क्वारंटाइन कर दिया है, निगरानी में रहेगा और इसकी रिपोर्ट आने तक वास्तविक स्थिति से आप लोगों को अवगत कराएं। गाजरवाड़ा से सुमित दुबे की रिपोर्ट।